नमस्कार, शुभदा विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध पढ़ने जा रहे हैं। निबंध का विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये निबंध आपको एग्जाम के लिए उपयुक्त ठहरने वाला है। 5 अंकों के लिए आपको निबंध पूछा जाता है एग्जाम में। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1024 में गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ। उनका पूरा नाम मूलशंकर तिवारी था। स्वामी दयानंद सरस्वती के पिता का नाम करशनजी लालजी तिवारी और माता का नाम यशोदाबाई था। दयानंद सरस्वती का जन्म एक अमीर और समग्र परिवार में हुआ था। उनके पिता कर कलेक्टर का कार्य किया करते थे। स्वामी जी का प्रारंभिक जीवन बहुत ही शेष आराम में बीता था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने पंडित बनने के लिए संस्कृत, वेद शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू किया। एक बार की बात है कि शिवरात्रि के दिन जागरण के दौरान को उनका पूरा परिवार एक मंदिर में रुके थे, जहां पर सभी परिवार के जाने के बाद मैं बालक मूलशंकर ने देखा कि भगवान शिव को चढ़ाए गए प्रसाद चूहे खा रहे हैं। उसके बाद में 30 अक्टूबर 1003 में उनका निधन हो गया। इसी तरह से स्वामी दयानंद इस विषय के बारे में हमने हिंदी निबंध पूरा किया है। आपको ये निबंध कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।